दोस्तों परीक्षा हॉल 247 पर आप सभी का स्वागत है। मैथ्स के 2020 क्वेश्चन सीरीज के आज फिफ्थ पार्ट के साथ हम लोग उपस्थित हैं यहाँ, और आने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, कपड़े का 25 मीटर बेचने पर एक व्यापारी को 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो परसेंटेज में व्यापारी का लाभ क्या है? देखो, बाय सेलिंग 25 मीटर्स ऑफ क्लॉथ ए ट्रेडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, द गेन ऑफ द ट्रेडर इज इन परसेंटेज। चलो देखो, मान लेता हूं 1 मीटर कपड़े का दाम, 25 मीटर कपड़ा बेचता है तो क्या करता है, 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 25 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य कितना होगा, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसे। तो इससे 25 मीटर का क्या हो जाएगा, 25 रुपये हो जाएगा। अच्छा, कहता है कि 25 मीटर बेचने पर एक व्यापारी को 5 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें 25 रुपया में 25 मीटर बेचा है, जिसमें से 5 रुपया क्या है, लाभ है। क्या है, लाभ है। तो यानी इसका 5 रुपया, इस लाभ को माइनस कर दिया मैं, इसमें क्या किया, लाभ को माइनस कर दिया। तो ये 20, अगर 25 रुपया में कोई चीज को बेच रहा है 25 मीटर को, इसमें 5 रुपया लाभ है, तो बचा हुआ 20 रुपया ही उसका सीपी होगा, बचा हुआ सीपी जो है वह 20 रुपीज है। तो कहता है परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, तो 5 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, और यह किस पे, 20 रुपया इसका सीपी निकल गया, तो इसका 100% सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5×5=25%। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है इफ ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड डी इज इन D is a point on BC such that AD is perpendicular to BC। चलो, equilateral triangle है, questions very important questions है, हम लोग questions के level को भी थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं आप। हाँ, ठीक है, तो ABC कहता है, ABC एक समभुज त्रिभुज है। ठीक है, समभुज means जिनकी सारी भुजाएं बराबर हो और तीनों interior angle 60 degree का equal हो। ठीक है, अब कहता है DBC पर एक बिंदु है, चलो DBC पर एक बिंदु ले लिया मैंने, जिसमें AD परपेंडिकुलर BC है, यहां से A से AD एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, AD परपेंडिकुलर BC है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहां बनाएगी, तो यहां D नाम दे देता है, क्या है, D, BC पर एक बिंदु है, तो AD परपेंडिकुलर, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछ रहा है, बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो चलो, कहता है AB और BD 1:1 होगा, नहीं ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो, अगर इसका हम मान लेते हैं साइड 2 है तो तीनों दो दो होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको 4 मानेंगे तो तीनों साइड इसका 4 हो जाएगा। कोई भी चीज होगा, x माना मैंने तो तीनों साइड x हो जाएगा, तो अगर ये x हो जाएगा तो ये आधा पार्ट ही लगभग है, तो ये कभी भी इक्वल हो सकता है कि इधर 2:1 होना चाहिए, 1:1 नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, परपेंडिकुलर जिसपे होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में सामने वाले एंगल के से, वो वाला जो है सामने वाले साइड को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। सो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो तीनों साइड का दो दो हम वैल्यू मान लेते हैं लेंथ, तो ये दो इक्वल साइड में दो को डिवाइड करेगा, यानी एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। तो आप ए बी और बी डी का रेशियो सब जगह पूछ रहा है, तो सही क्या होगा, ए बी तो 2 होगा और बी डी क्या होगा, 1 होगा, तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन सी में दिख रहा है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कहता है त्रिभुज के दो कोनों के बाहरी द्विभाजक के बीच का कोण 60 डिग्री है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रायंगल से देखेंगे, एक ट्रायंगल है देखो, ऐसे बाहरी द्विभाजक समझते हैं और अंतः द्विभाजक, कोई भी ट्रायंगल या कोई भी पॉलीगन का दो कोण होते हैं, एक बाहर में एक अंदर में, तो ये देखेंगे ये वाला कोण इस ट्रायंगल का हम अंदर का कोण मानेंगे, और बाहर का कोण क्या है, अगर इस साइड को हम बढ़ा देते हैं, इस साइड को भी बढ़ा देते हैं, तो ये बाहर का कोण हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, इसका बाहर का पार्ट हो गया। ठीक है, तो कहता है त्रिभुज के दो कोने के बाहरी द्विभाजक, यानी दो साइड हमने बढ़ा दिया और दोनों कोनों का द्विभाजक, ये इसका द्विभाजक, कोई एक लाइन यहां से निकला हुआ, ये भी एक लाइन निकला हुआ, ये एक बाहरी कोण को दो भागों में बराबर भागों में करता है, अगर 120 होगा तो 60-60 में डिवाइड करेगा, अगर ये 120 होगा तो 60-60 में डिवाइड करेगा। तो कहता है त्रिभुज के दो कोनों के बाहरी द्विभाजक के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो ये बाहरी द्विभाजक दोनों निकाल लिया, और ये क्या हुआ, इसका ये कितना है डिग्री है, 60 डिग्री है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीसरा कोण का माप क्या होगा, यानी ये दोनों कोण का बारे में बता दिया गया, ये दोनों कोण का बारी कोण का द्विभाजक है, तो तीसरा कोण यानी ये वाली कोण क्या होगी, आपसे यही पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे।
तो ऐसे क्वेश्चन का जो थ्योरम होता है बड़ा क्लियर होता है कि दो एक्सटर्नल एंगल एक ट्रायंगल का हो और वो बाइसेक्ट करता हो और जहां मिल रहा है उसका एंगल फाइंड आउट करना हो तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इस पॉइंट को आप ओ मान लो तो एंगल बी ओ सी जो होगा, एंगल बी ओ सी यानी वो जो एंगल होगा वह क्या होगा, 90 माइनस हाफ ऑफ 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। तो देखो तो एंगल बी ओ सी आपको दिया हुआ 60 डिग्री बराबर 90 माइनस माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो अगर ये 60 हाफ इधर आ जाएगा यानी कह सकते हो हाफ एंगल ए बराबर 60 जाके माइनस हो जाएगा यानी 30 डिग्री। तो ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एंगल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 32 जा 60। सो क्या हो जाएगा एंगल ए का वैल्यू, बी इज इक्वल टू 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक त्रिभुज की भुजाएं 12, 16 और 20 सेंटीमीटर है। एक ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं कितनी हुई है, 12, 16 और 20। तो ट्रायंगल का साइड देखने के साथ ही आपको ये पता चल जाना चाहिए किस टाइप का ट्रायंगल है। 12 का स्क्वायर करेंगे और 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये परफेक्ट है कि 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखने से पता चल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर दो साइड का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर हो रहा है यानी यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, इसके लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या होगी। ध्यान देना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लंब बनता है, लंब केंद्र बनता है वो यहाँ बनता है और परिकेंद्र जो बनता है वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज में बनता है, कर्ण के बीच में क्या बनता है, परिकेंद्र बनता है, ऑर्थो सेंटर बनता है। तो ये लंब केंद्र और ऑर्थो सेंटर के बीच का आपको डिस्टेंस पूछ रहा है तो आराम से इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो आपको तो दिया हुआ 12, ये वाला साइड 16 दिया हुआ और इधर वाली साइड आपको कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। तो ध्यान देना ये मिड पॉइंट पे होता है, ये जो परपेंडिकुलर जो होगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 10-10 में डिवाइड हो जाएगा। ध्यान देना इस केसेस में ना हम थ्योरम है कि अगर ये वाला पॉइंट हम अभी ले मान लेते हैं, ये बीसी है इसको डी मान लिया मैंने, तो क्या होगा ये वाला साइड, ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड होगा जो भी हमने परपेंडिकुलर लगाया यानी बीडी बराबर एडी बराबर सीडी। तो ये 20 को 10-10 में डिवाइड किया तो बीडी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, तो कहता है ये दोनों की परिकेंद्र और लंब केंद्र की दूरी क्या हो जाएगी, इसी की ये जो 10 है यही वाला हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन थ्योरम्स को ध्यान में रखना होगा आपको, चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे हम लोग तो इन थ्योरम को काफी डीप से पढ़ेंगे। कहता था सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी इज ओ, कोई भी एक ट्रायंगल है आप ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लो। कहता है द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ओ। ठीक है, यदि एंगल बीएसी आप ले लो, ये ट्रायंगल को मैंने साइड का डिनोट कर दिया इसको नाम एबीसी, एंगल बीएसी इज इक्वल टू बीएसी 85 डिग्री, बीएसी कितना दिया है 85 डिग्री, एंगल बीसीए 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 75 डिग्री, कितना डिग्री दिया हुआ है 75 डिग्री, बीसीए 75 डिग्री। एंगल ओएसी का मान निकालने के लिए कहता है, एंगल ओएसी यानी इससे ऐसे करके, तो ये फुल पार्ट जो हुआ 85 दिया हुआ आपसे सिर्फ पूछ रहा है वो एसी यानी ये वाली पार्ट आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे आप देखो, अगर ये वाली ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम टोटल 180 होना चाहिए जिसमें 85 ए है और 75 सी है, तो आप देखेंगे 160 हो गया, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, बचा हुआ एंगल क्या होगा 20 होगा, होगा क्योंकि 180 में 85 और 75 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 बचेगा। अब क्या जानते हैं हम, अब हम जानते हैं कि एंगल ओ ए सी निकालने के लिए आपको कहा है, एंगल ओ ए सी, तो ओ ए सी कैसे निकाल सकते हैं, ए सी जो देखिए ये वाला चीज जब ऐसा क्वेश्चन रहे सर्कम सेंटर का बात, तो सर्कम सेंटर पे यहाँ जो एंगल बनता है ना किसी भी उसके ऊपर वाले साइड वाले एंगल से इसके जस्ट यहाँ जो होता है वह क्या होता है इसके डबल बनता है। अगर यहाँ 20 डिग्री बना है तो यहाँ 40 डिग्री बनेगा, इसी तरह अगर हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं अगर यहाँ 40 बना है तो यहाँ 80 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ 20 डिग्री बन रहा है तो एंगल ओ पे अंदर में यहाँ कितना बनेगा 40 डिग्री बनेगा। अब ये छोटा ट्रायंगल देख लो, एंगल ए ओ सी, एंगल ए सॉरी ट्रायंगल ट्रायंगल ए ओ सी, एक ट्रायंगल बन गया ए ओ सी, इसमें से एंगल ओ जो है, एंगल ओ जो है वो मुझे पता चल गया कि यहाँ 20 था तो इधर एंगल ओ कितना हो गया 40 हो गया। तो आप देखेंगे वो ए और वो सी इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों दिख रहा है आपको कि सेंटर से गया, दोनों रेडियस है, तो एक ट्रायंगल का एक एंगल 40 डिग्री और बाकी का दोनों साइड इक्वल है, तो 180 में 40 डिग्री है एंगल है
180 में से 40 डिग्री को माइनस कर दो तो बाकी का दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 140। तो जब दोनों साइड इक्वल है, बचे हुए दोनों साइड इक्वल है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। तो दो से डिवाइड कर देंगे, दोनों बचे हुए एंगल कितने डिग्री होंगे, 70 डिग्री। तो यही तो आपसे पूछता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 400 रुपए प्रत्येक पर रेडियो सेट खरीदता है, वह 30% कीमत में वृद्धि करता है, ठीक है। 400 रुपए में खरीदा और 30% में वृद्धि कर दिया, यानी 400 जगह के में जगह में कितना किया, 30% इसका निकाल लोगे, 300 नीचे से कैंसिल कर दोगे तो आप पाएंगे क्या, जैसे निकाल के भी देख सकते हो आप, 30% का वृद्धि कर दिया यानी 120 रुपए बढ़ा दिया। तो 400 रुपए का चीज था उसमें 120 रुपए बढ़ा दिया यानी कितना, 520 रुपए कर दिया इसका दाम, ठीक है, मार्क्स प्राइस कर दिया, एक तरह से सोच सकते हैं आप। कहता है और वह 30% की मदद करने के बाद प्रत्येक पर 8% की छूट देता है, उसका ओरिजिनल लाभ परसेंट क्या है। अब 520 का ना, 8% डिस्काउंट दे रहा है, तो अब बेस कितना में रहा है, 92% में बेच रहा होगा क्योंकि 8% तो इसका डिस्काउंट दे दिया। तो सॉल्व करेंगे ये समथिंग आ जाएगा, यानी ये समथिंग आ जाएगा, तो ये 400 रुपए से कितना अधिक है, दिख जाएगा उतना परसेंट निकल जाएगा आपको निकालेंगे डिफरेंस से। तो लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ना इस वाले वैल्यू का कोई जरूरत ही नहीं। आप सीधा क्या करो, कहता है कि आप ना यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, कहता है कि 100 रुपए का चीज हम मान लेते हैं था, 30 रुपए हमने एक्स्ट्रा डिसाइड कर लिया, इसमें 30 रुपए कीमत बढ़ा लिया, पहले बोलता है 30 रुपए बढ़ा लिया, अब कहता है कि इस पर ना मैं कितना डिस्काउंट दे दिया, 8% डिस्काउंट दे दिया। तो 130 पे अगर 8% डिस्काउंट दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 130 पे 8% डिस्काउंट कर देंगे तो आप पाएंगे 13 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 104, और ये 10 हटा करके 10.4 यानी 10.4 डिस्काउंट दे दिया। 100 रुपए का चीज था, 30 रुपए बढ़ा करके 130 रखा था, उस पे 10 रुपए 4 पैसा डिस्काउंट दे दिया है। तो अब भी अगर 130 में 10 रुपए 4 पैसा माइनस कर देते हैं तो 119 रुपए 6 पैसा में भी बेच रहा है। तो 100 रुपए का चीज अगर 119 रुपए 6 पैसे में बेच रहा है यानी कितना, 19.6% अभी भी लाभ कमा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है एक विषम कोण के दो विकर्णों की लंबाई, एक विषम कोण यानी रोम्बस यानी समचतुर्भुज, विषम कोण को आप क्या कह सकते हो, समचतुर्भुज कह सकते हो। एक विषम कोण के दो विकर्णों की लंबाई, विषम कोण के दो विकर्णों की लंबाई आपसे आपको दी हुई है, एक विषम कोण के दो विकर्णों की लंबाई दी हुई है, ठीक है। और उसकी लंबाई है कितनी, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये टोटल 6 है और ये टोटल 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। कहता है इसकी परिधि सेंटीमीटर में क्या होगी, यानी आपसे पूछता है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिधि क्या होगा। तो आप देखेंगे कि आपको पता होनी चाहिए कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे के लंबवत काटता है और इक्वल में डिवाइड करता है, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हो कि अगर कोई भी एक साइड लेते हैं, एक विकर्ण मेरा 8 था, अगर इसको दो भाग में यहाँ 90 डिग्री पे इसका विकर्ण एक दूसरे को काटता है तो ये वाली साइड 4 हो जाएगी। अगर 6 वाली जो विकर्ण है उसको अगर इक्वल डिवाइड किया इसका विकर्ण तो एक दूसरे को, तो 3 हो गया। अगर ये 4 और ये 3 हो गया और ये समकोण करता है, डिवाइड करता है एक दूसरे को, रेक्टेंगल एक दूसरे को समकोण बनाता है कि रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को, तो ये अगर 4 साइड हो गया, 3 साइड हो गया, तो ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो पी और बी 4 3 है तो ये हाइपोटेनियस परफेक्ट 5 होगा, क्योंकि 4 3 5 का सीरीज होता है हाइपोटेनियस में, 6 8 10 में होता है, 12 16 20 में होता है, अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 4 है 3 है तो ये क्या हो गया, 5। अगर एक साइड 5 हो गया तो रोम्बस का चारों साइड क्या होता है, 5 5 ही होगा, इक्वल होता है सब साइड। तो 5 4 20 इसका पेरीमीटर टोटल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है ज्यादा लागत कीमत विक्रय मूल्य का 95% के बराबर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन से अगर थोड़ा समझ के बनाएंगे। कहता है यदि कॉस्ट प्राइस जो है विक्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस का 95%, अगर सेलिंग प्राइस 100 मान लेते हैं तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 95 है। कहता है यदि लागत कीमत विक्रय मूल्य के 95% के बराबर, अगर विक्रय मूल्य 100 है तो लागत कीमत 95 होगा, तो लाभ परसेंट क्या है बताइए। तो सोचो, तो आप ध्यान से देखना, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना, 95 माना, ठीक है। तो आप क्या कहता है कि आप बताइए कि ओरिजिनल परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट क्या है आपसे पूछ रहा है। तो देखो, तो भैया 100 रुपए में बेच रहे हो और 95 रुपए का चीज है तो 5 रुपया लाभ हुआ, और सीपी कितना था, 95 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, डिवाइड करके परसेंटेज पॉइंट में निकाल लेंगे आप। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है यदि कोई संख्या में 20 बढ़ाया जाता है तो वह खुद का 116% हो जाती है, 116% हो जाती है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको देख लेंगे कितना है, 116%, अंग्रेजी में हम लोग देख सकते हैं। व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20 बिकम्स 116% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज द नंबर, ठीक है। तो मान लेते हैं नंबर एक्स है, इसमें क्या करता है, इस नंबर में एक्स का कितना परसेंट बढ़ा दिया, एक्स का 116% मैंने बढ़ा दिया, तब जाकर के यह संख्या क्या होता है,
सॉरी इसमें ना ऐसे नहीं कर रहा है, इसको कह रहा है आपसे कि कहता है एक नंबर है, इस नंबर में हम कितना बढ़ा दिए हैं, 20 बढ़ा दिए हैं, कितना जोड़ दिए हैं, 20 जोड़ दिए हैं, तो यह खुद की कितनी परसेंट हो जाती है, 116% के बराबर हो जाती है। तो वह संख्या कितनी है, इससे x का वैल्यू निकल जाएगा, निकल जाएगा तो सॉल्व कर देंगे इससे। दूसरा टेक्निक और है क्या, देखिए ये अपने आप में कोई भी संख्या 100% होती है। सेकंड टेक्निक हम लोग देखना चाहते हैं कि अपने आप में कोई भी संख्या 100% होती है, अगर उसमें हम ना 20 जोड़े, कितना जोड़े, 20 जोड़े, तो कितना परसेंट बढ़ गया था, 16% बढ़ गया। अब 116% बढ़ गया, यानी ये जो 20 है वह 116% के बराबर है, या 20 जो है वह अपने 116% के बराबर है, तो अपने आप में 100% क्या होगी, अपने आप में 100% क्या होगी, तो 4 से इसको काटेंगे क्या होगा, 4 से 5 बार में काट लीजिए, 4 से कितना होगा, 2, 8, और इसको सॉल्व करेंगे, कल काट के आगे जाएंगे तो क्या होगा, देखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग ना इंटरप्रेट करने में थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर लिया, इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, फिर फ्रेश से इसको समझते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, कहता है कि यदि कोई संख्या में 20 बढ़ा दिया जाता है, यदि कोई संख्या में 20 बढ़ा दिया जाता है तो वह संख्या अपनी 116% हो जाती है, कितनी हो जाती है, 116% हो जाती है, तो बताइए कि वह संख्या कितनी है। तो देखेंगे कोई भी संख्या अपने आप में, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अगर 20 बढ़ा दिए तो वह संख्या 116% हो गई, तो यानी कितना परसेंट बढ़ा है, 16% बढ़ा है, यानी 20 जो है वह 20 जो बढ़ा है वह 16% के बराबर बढ़ा है उस संख्या का, तो वह संख्या अपने आप में 100% कितना होगी, तो 4 से सॉल्व करेंगे 5 बार में, 4 से सॉल्व करेंगे 4 बार में, 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा, 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 125, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है जयेश ने पहले 3 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष की दर से, ये परसेंटेज यहां लिखा हुआ है, जयेश बोरोस सम ऑफ मनी फॉर फर्स्ट 3 इयर्स एट रेट ऑफ 6% पर एनम, पहला 3 साल कितना परसेंट, 6% के रेट से, फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स 8% एनुअल रेट, एंड फॉर द फॉलोइंग इयर्स 10% रेट। देखेंगे कोई भी व्यक्ति ना अलग अलग रेट, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा ईयर पे नहीं दिया है, सारे ईयर्स के लिए, किसी को कह रहा है कि पहले 3 साल के लिए 6% था, नेक्स्ट 3 साल के, नेक्स्ट 5 साल के लिए 8% था, और उससे आगे जितना साल रहेगा उसके लिए 10% था। इफ ही पेज टोटल 7840 आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल में हाउ मेनी रुपीज डज ही बोरोज, बताइए कि टोटल वह कितना पैसा उधार लिया था, तो कैसे देख सकते हैं इसको, देखो तो यार इतना शॉर्ट बना सकते हैं इन प्रश्नों को ना, बिना पेन लगाए भी बना सकते हो अगर देखो तो। पहला 3 साल ना 6% के रेट से था, पहला 3 साल 6% के रेट से था, तो 3 साल में 6 से 18% इंटरेस्ट लिया होगा। अगला 5 साल जो था ना 8% के रेट से था, तो 8 × 5 = 40% यहाँ इंटरेस्ट चार्ज कर लिया होगा, कहता है एंड फॉर द नेक्स्ट फॉलोइंग जो भी है उसके लिए 10% लेता, तो 12 साल में देख लो तो 3 साल और 5 साल 8 साल हो गया, तो बचे हुए 4 साल में 10% के रेट से लिया होगा, तो 4 साल में 10% के रेट से लिया होगा, तो 40% इधर भी ले लिया, तो टोटल इंटरेस्ट जो हमसे लिया है वह 40, 40, 80 और 18 98% लिया है, और 98% जो लिया है वह 7840 रुपया लिया है, टोटल इंटरेस्ट कितना बोलता है ये 7840 रुपया आफ्टर 12 ईयर, ये 98% लिया है हमारे प्रिंसिपल का, तो 100% क्या होगा, आराम से इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 14 से 7 बार में काट देंगे, और 14 से 7 बार में यहाँ काट देंगे, सॉरी 5 बार में यहाँ काट देंगे, फिर आगे 6 बार जाएगा फिर 0, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे 7 से 8 बार में 0, 80 पे 2 0 आ जाएंगे और आपका आंसर चला जाएगा डी। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। कहती है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 50 और 75 कम है, दो संख्याएं मान लेते हैं ए है, बी है और सी है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50 और 75 कम है, 50 और 75 कम है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा, दो टू नंबर्स आर 50% 75% लेसर देन थर्ड नंबर, 50% लेस है और 75% कम है, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं सी 100% है, तो ये वाला इसका 50% कम यानी 50 है, और बी वाली संख्या कहती है 75% कम यानी 100 में 75% कम यानी 25 है, ठीक है, कहता है तो दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए, तो देखो तो यार ये 50 है और बी कितनी है 25 है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि ये के बराबर हो जाए, तो ये क्या है 25 है, इसको 25 और करेंगे तो ये के पहली संख्या के बराबर होगी, तो 25 और है यानी 100% और बढ़ा देना पड़ेगा, तो कितना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कहता है ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपए में पूरा करने का ठेका लिया, तो ठेके की धनराशि में ए का भाग क्या होगा। बड़े इजी टेक्निक से देखेंगे इसको, ट्रेडिशनल मेथड से इस तरह के क्वेश्चनों को हम प्रश्नों को हम लोग नहीं बनाएंगे। कहता है ए कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। बी कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 30 ले लो, जितना एलसीएम आता सोचो वही टोटल वर्क हो गया। 15 दिन में 30 काम ये करता है, एक दिन में डिवाइड करके पता कर लो दो काम करता है। बी 10 दिनों में 30 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, इसी रेशियो में पैसा बांटा जाता है, उसका जो वर्किंग एफिशिएंसी होता है या जितना वर्क किया था उसी रेशियो में। तो 2:3 के रेशियो में पैसा बांटेगा। तो कहता है कि 30,000 रुपए में ठेके की धनराशि में ए का भाग क्या होगा, तो ए का भाग क्या होगा, दो भाग होगा। टोटल शेयर कितना, 2, 3, 5 करना पड़ेगा, और बांटना कितना है उसको, 30,000 बांटना है। कितना बांटना है, 30,000। तो 5 से दिख रहा है कि 6,000, और 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी कितना, 12,000। सो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको कहीं दिख रही है, कहीं परेशानी है, नहीं है, चलो एक बार फिर से मैं लिख लेता हूँ, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं। देखो क्या कहता है, ये किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, सही किया हम लोगों ने, 10 दिनों में कर सकता है भी, ठीक है। उन्होंने कार्य को 30,000 में पूरा करने का ठेका लिया, ठीक है, 30,000 रुपए को मैंने बांटा है। और कहता है ठेके की धनराशि में ए का भाग क्या हुआ, बड़ा क्लियर है, देख लो, 15 दिन में 30 काम एलसीएम लेने से पता चला, तो एक दिन में 2 काम, बी 10 दिनों में 30 काम, तो 2:3 के रेशियो में बटेगा, ठीक है, 2/5 करके। सो ऑप्शन में नहीं दिया है, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑप्शन 12,000 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए और बी और सी किसी कार्य को करने के लिए 4,500 रुपए में ठेका लिए, ए अकेला इस काम को 8 दिनों में कर सकता है। देखो उसी क्वेश्चन का थोड़ा वास्ट प्रूफ है, इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी शेयर ही पैसा का है, पर थोड़ा सा ज्यादा है इसमें परेशानी। क्या कहता है, ए किसी काम को 8 दिनों में कर रहा है, कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में, पढ़ो क्वेश्चन आप लोग। बी इस अकेला इसे 12 दिनों में करता है, बी कितने दिनों में, 12 के दिनों में करता है। सी की सहायता से इन लोगों ने 4 दिनों में पूरा काम कर लिया, तो ए बी सी तीनों अगर मिल गया है, ए बी सी तीनों मिल गया है, तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लिया है, 4 दिनों में। तो बताइए कि सी का हिस्सा क्या होगा, टोटल ये जो धनराशि कमा रहा है इन लोगों में, सी का हिस्सा क्या होगा। चलो तो 8, 12 और 4 का एलसीएम ले लो, एलसीएम जो ले लोगे वही टोटल काम होगा, और एलसीएम ले लो 24 हो गया, ठीक है, 8 × 3 = 24। ए का एक दिन का काम 3 हो गया, बी का डिवाइड करके 12 × 2 = 24, और एबीसी का एक दिन का काम 3। अच्छा देखो 6 है 4, 6 = 24। अच्छा देखो ये 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, और सी को मिलाने से इन लोग 6 काम हो जा रहा है, तो 3, 2, 5 ए भी काम कर रहा है, इसमें 6 काम हो रहा है, सी का एक दिन का काम कितना हो रहा है, 1 काम हो रहा है, क्योंकि 3 और 2 = 5 कर रहा है ए और बी, और लेकिन सी को मिलाने से 6 काम हो रहा है, सी अकेला 1 काम करता होगा। तो अब देखो किस रेशियो में पैसे बटेंगे, ए का 3 काम, बी का 2 काम, और सी का 1 काम। किसका शेयर पूछा है, 1 शेयर पूछा है सी का, और 3, 2, 5 और 1, 6 शेयर हो जाएगा, और टोटल पैसा बांटना कितना मुझे, 4,500 रुपए। तो सॉल्व करेंगे कितना होगा, 750। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1600 के 250% का, बैंक के एग्जाम में जनरली इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। कहता है 1600 के 250% का, चलो 1600 का 250% निकाल लो भाई, 250% ये लिखोगे, 250% का 0.06% के लिए नीचे 100 कर लेते हैं, बराबर क्या होगा, ये नहीं पूछा है, तो सोल्व करते हैं। देखो आप इसको 00 कैंसिल कर लो, क्लियर है, आप इसको 4 से कितना बार में काट लो, 4 से 4 बार में, 4 से कितना बार में, 25 बार में, ये यहां से हटा करके यहाँ 00 बैठा लो, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो 25 से 250 यहाँ कैंसिल हो गया, यानी नीचे सिर्फ 10 बचेगा और ऊपर में 6 बचा है, ये 0 पहले रहने से कोई फायदा नहीं, तो ये 0 हटा करके 0.6 कर सकते हैं, 0.6, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 4 से, तो बस आपके पास ऑप्शन सामने है, बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है ये स्ट्रीट ऑफ वाइट 10 मीटर राउंड फ्रॉम आउटसाइड या रेक्टेंगुलर गार्डन। देखेंगे, कहता है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, हाँ, जिसकी 10 मीटर चौड़ाई है, इसके बगल में आउटर साइड में एक रोड बनाई गई है, एक स्ट्रीट है, और इस स्ट्रीट की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर। हाँ, रेक्टेंगुलर गार्डन हुज मेजरमेंट इज 200 और 100 मीटर, जो इसका अंदर वाला पार्ट है वो कितना है, 200 मीटर है, और चौड़ाई कितना है, 180 मीटर है। तो कहता है द एरिया ऑफ द पाथ, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो आप इसको 200 मीटर है इसकी लेंथ है, 10 मीटर चौड़ाई इधर कर लो, और 10 मीटर चौड़ाई इधर कर लो, बढ़ गया। तो अब इसकी जो ये जो लेंथ आ गया, ये 200 की जगह में कितना हो गया, जो नया रेक्टेंगुलर बन गया, उसका नया रेक्टेंगल बन रहा है, ये क्या हो गया, 220 180 है, इधर भी 10 बढ़ा, इधर भी 10 बढ़ा, इसका लेंथ अब क्या हो जाएगा, इसका लेंथ 20 बढ़ जाएगा, यानी 180 और 20,
यानी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, रास्ते का एरिया आपसे पूछा है, ये रास्ते का एरिया क्या है बताइए, ये रास्ते का एरिया क्या है, तो रास्ते का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, बाहर बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया में से छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया घटा देंगे निकाल करके, तो बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा 220 × 200। ठीक है, ये वाला एरिया निकल गया, और इसका ओरिजिनल जो रेक्टेंगल बिना पाथ का था वह कितना था 200 × 180। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। जैसे 200 इसको कॉमन भी ले सकते हो आप, 220 में से ये क्या हो जाएगा 220 − 180, 220 − 180 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 40। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4 × 2 = 8 दिख रहा है ऑप्शन में। कहता है द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। देखिए कहता है एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना 8 सेंटीमीटर दिया है, तो कहता है इसके इसका एरिया निकालिए जो इस इसके अंदर में स्क्वायर बनाया गया है। ठीक है, तो देखेंगे अंदर में अगर स्क्वायर बनाया जाता है किसी भी रेक्टेंगल का, तो इसका यहां से यहां यही इसका इसका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है रेडियस, ये सेंटर वो है। कहता है द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ये सर्कल है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर, अगर रेडियस 8 सेंटीमीटर है और ये जो स्क्वायर बनाया गया है, ये जो स्क्वायर बनाया गया है, इस स्क्वायर का आपको एरिया पूछा है, तो देखो तो ये 8 सेंटीमीटर आया इतना है, तो अगर ये इधर मिला भी देंगे ये वाला भी, तो इसका 8 सेंटीमीटर इधर जाएगा, नहीं डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं इसका जो डायमीटर है वही स्क्वायर का क्या है डायगोनल है, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या हो जाएगा 8 × 16 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का एरिया तो पता है आपको कि साइड का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है कि अगर डायगोनल दिया हुआ है तो डायगोनल इंटू डायगोनल डिवाइडेड बाई 2 यानी डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ मेरा डायगोनल कितना हो गया 16 हो गया है इस स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा 16 × 16 / 2, 2 से 8 बार में, तो आप देखेंगे इससे आपका क्लियर पता चल गया। तो इससे हमको पता चल गया है कि 16 × 8 जो होगा इसका आंसर होगा, 16 को 8 से गुना करोगे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कहता है जब एक वाटर जब व्हेन टिकट प्राइसेस टू ए वाटर पार्क आर इंक्रीज्ड इन द रेशियो ऑफ 11:12। देखेंगे हिंदी वाले क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है, कहता है टिकट का जो प्राइसेस है वह बढ़ जाता है, पहले 11 था तो अब क्या हो गया 12 हो गया। देन द नंबर ऑफ डेली विजिटर टू द पार्क इन द रेशियो 8:7, पहले 8 था तो अब क्या है 7 हो गया। देखो दाम बढ़ गया भाई, पहले दाम 11 था तो 12 लोग आते, लेकिन दाम अब 8 रुपए हो गए तो अब आने वाले लोग कम हो गए। ठीक है, तो कहता है देन द डेली रेवेन्यूज बिफोर द इंक्रीजेस इन टिकट प्राइस वाज 1,76,000 रुपया, पहले जो टोटल रेवेन्यू था वह कितना था 1,76,000 रुपया। देन द फाइंड द रेवेन्यूज आफ्टर इंक्रीज इन द टिकट प्राइस, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है पहले 11 था, पहले कितना था 11 दाम था और 8 लोग आते थे, यानी 11x मान लेते हैं, 11 यूनिट और 8y था। ठीक है, यहाँ भी 12x था तो इधर 7y था, 11 × 8 = 88, 88xy यानी 88 यूनिट पहले बिकता था, 88 यूनिट बिकता था तो क्या होता था 1,76,000 लोग आते थे, 88 यूनिट बिकता था तो टोटल 1,76,000 रुपया होता था, तो डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट का वैल्यू आपको पता चल जाएगा कितना 2,000 रुपया। लेकिन अब को क्या हो रहा है 12/87 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 12/87 हो जा रहा है, यानी अब 84 यूनिट होना चाहिए और प्रत्येक यूनिट का वैल्यू कितना है 2000, तो 84 को 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,68,000, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कहता है ए बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। देखेंगे डाउन स्ट्रीम में जाता है, डाउन स्ट्रीम में जाता है कितना किलोमीटर जाता है 20 किलोमीटर जाता है इन 2 आवर्स, टाइम कितना लेता है 2 आवर्स लेता है डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, तो देखो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम के स्पीड को वी से डिनोट करते हैं हम लोग, तो आ जाएगा इसको 2 घंटे में 20 किलोमीटर डिवाइड करके पता चलेगा 1 घंटा में 10 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम का स्पीड आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम, अगर अप स्ट्रीम में जाता है यही अप स्ट्रीम में जाता है सेम डिस्टेंस इन 5 आवर्स, तो यही 20 किलोमीटर को जाने में कितना ले लेता है 5 घंटा, तो अपस्ट्रीम का स्पीड इसका क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, अब देखो भी हो गया डाउन स्ट्रीम, यू हो गया सॉरी डाउन स्ट्रीम और भी हो गया अपस्ट्रीम,
ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि अगर आपको बॉट का स्पीड निकालने के लिए बोला है तो बॉट का स्पीड निकालने का टेक्निक हमेशा ही है कि डाउन स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम को जोड़ दो, उसको दो से डिवाइड करो, तो 10 और 4 14 को दो से डिवाइड करोगे आंसर कितना होगा 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो स्वयं की 125% हो जाती है। सेम क्वेश्चन इस टाइप का भी हम लोगों ने देखा था कि कोई संख्या को 40 बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया गया 40, तो अपने आप में वह संख्या 100% थी लेकिन वह 40 बढ़ने से 125% हो गई, कितनी हो गई है 125% हो गई है, तो व्हाट इज द नंबर। तो देखो 40 था, 40 बढ़ा दिया तो 100 की जगह में 125% हो गया, यानी कितना परसेंट बढ़ा 25% बढ़ा, तो अपने आप में वह संख्या कितनी 100% होगी, 25 से डिवाइड करो 4 और 4 से 160, तो आंसर सी इज। मैंने शॉर्ट तरीके से बताया इन प्रश्नों को, अगर आप इसको डीप में जाएंगे ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे तो और भी लेंदी होगा, और एग्जाम में आपके पास इतना कम समय होते हैं कि अगर आप लेंदी तरीके से बनाएंगे तो आपको एग्जाम्स क्वालिफाई होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, क्योंकि रिजल्ट यहाँ 0.001% लोगों का होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर विद डायगोनल 8√2 सेंटीमीटर, इस तरह के क्वेश्चंस को भी हमने देखा कि कहता है एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकालिए जिसका डायगोनल 8√2 है, तो जब अगर डायगोनल दिया हुआ और स्क्वायर का एरिया पूछता है, स्क्वायर का एरिया पूछता है, तो आप क्या करोगे डायगोनल इंटू डायगोनल डिवाइडेड बाई 2, आप कह सकते हो कि डायगोनल का स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना 8√2 × 8√2 डिवाइडेड बाई क्या 2, तो ये रूट टू और रूट टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा जो कि 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 8 सो आंसर इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी कंटिन्यू।